मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं यही बना लेती हूँ। एक कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल, और तेल के साथ ही मैं इन्हें, जब तेल गर्म हो जाएगा उसमें डाल दूंगी मैं जीरा, 1/2 टीस्पून जीरा डाला है मैंने। एक प्याज मैंने बारीक करके चॉप कर लिया था तो मैं उसको भी डाल देती हूँ, और इसे थोड़ा सा लाइट कलर भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी भुन गई है। मैंने इसी के साथ ली है गाजर, गाजर को भी थोड़ा भून लेते हैं। इसी के साथ है शिमला मिर्च, आपके पास जो भी सब्जी हो आप वो डाल सकते हैं। तो इन्हें अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम डालेंगे मटर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मटर डाल दी है, अपनी पसंद से कोई भी सब्जी ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न, पनीर, गोभी और भी है, मशरूम वगैरह, ये सब डाल सकते हैं। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक। नमक से क्या होता है, डालने से सब्जियाँ अच्छी तरीके से कुक हो जाती हैं। इसी के साथ स्पाइसी के लिए मैंने डाला है यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी डाली है, और इन्हें अच्छी तरीके से सभी सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें भून लेंगे। इसी के साथ मैं डालने वाली हूँ पानी, तो पानी भी हम 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसे उबलने देते हैं। तो चलिए इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, जब मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं ना, तो 2 मैंने यहाँ पे मैगी के पाउच लिए हैं। मैगी के पैकेट को मैं इस तरीके से खोल करके इन्हें निकाल लेती हूँ और इनका मसाला अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, ये देखिए। तो आप जितनी मैगी बनाना चाहें उतना ही पानी डालें। अगर मैंने 2 लिए हैं तो 2 गिलास पानी डालेंगे, और इन्हें मसालों को भी मैं खोल लेती हूँ। हमारे मैगी के पानी में भी उबाल आ चुका है, ये देखिए सब्जी भी अच्छी तरीके से कुक हो गई है। अब जो इसमें से 2 मैगी के मसाले निकले थे ना, वो मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ। तो मैंने स्पाइसी के लिए इसमें मसाले ऐड किए थे, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं है तो कम भी कर सकते हैं या उसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए मसाले डालने के बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं ये मैगी, और मैगी को अच्छी तरीके से चलाते हुए नीचे दबा देंगे पानी के अंदर, जिससे कि अच्छी तरीके से ये कुक हो जाएगी। ये देखिए अलटते पलटते हुए इन्हें दबा देंगे, इन्हें तोड़ेंगे नहीं क्योंकि थोड़ी सी लंबी लंबी, खाने में मज़ा आता है। तो ये लीजिए उबलने के साथ में, ये देखिए ये इसके लेयर जो है ये खुल जाएंगी, मतलब ये खिल जाएगी मैगी। तो इसी तरीके से मैं ये मैगी खिली खिली बना लेती हूँ। ये देखिए सारी मैगी खुल गई है, और हमने ये सब्जी से इस तरीके से 102 बार मैं इसे चला देती हूँ, और जब तक इसे पकाना है जब तक इसका पानी इसके अंदर से जल ना जाए। और इसके ऊपर से मैंने डाल दिया है हरा धनिया, देखिए एकदम खिली खिली हमारी मैगी बन करके हो गई है तैयार। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है, और ये देखिए जब मैं इसे उठा रही थी ना तो ये उठ ही नहीं रही थी, इतनी लंबी है मैगी हो गई थी, क्योंकि मैंने इसको तोड़ा नहीं था, क्योंकि थोड़ी जब खाते हैं ना तो ये लंबी लंबी मैगी बहुत ही अच्छी लगती है। और ये लीजिए एकदम स्पाइसी खिली खिली मैगी हमारी बन करके हो गई है तैयार, और इसे मैंने गार्निश कर दिया है एक हरे धनिए की पत्ती के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे चॉपस्टिक से उठाया, और ये देखिए उठाने में भी इतना मज़ा आ रहा था ना। तो चलिए मैं तो चलती हूँ इसे गर्मा गर्म इंजॉय करने। आप इस तरीके से स्पाइसी खिली खिली मैगी मेरी तरह बना करके खा सकते हैं, उसको इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे हों या बड़े सभी को पसंद आती है।